हेलो भाई, भावंकित हीरो वाले अब नहीं मानेंगे भाई। ये लोग तहलका मचाना ही चाहते हैं इंडियन मार्केट में। अभी तो मचा ही रहे हैं भाई एक्सट्रीम को लॉन्च करके, लेकिन और भी इनकी 5 गाड़ियां आने वाली है आने वाले समय में। अब वो कौन कौन सी गाड़ियां है वो तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है चैनल पर ना तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। अपन इस वीडियो में हीरो मोटोकॉर्प की अपकमिंग बाइक के बारे में जानेंगे डिटेल में, काफ़ी मजा आने वाला है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है एंड तक देखना वीडियो को। अभी हीरो मोटोकॉर्प के पास बहुत ही सारा प्रोडक्ट है भाई, बहुत ही सारा, लेकिन फिर भी भाई ये लोग 5 मॉडल को लाने वाले हैं, पेटेंट इन्होंने फाइल करा है। तो मैंने सोचा भाइयों को एक बार अपडेट कर देते हैं भाई, क्योंकि बताना मेरा फर्ज है ना। बात करें सबसे पहली गाड़ी की तो वो है भाई करिश्मा XMR 250। अभी तो करिश्मा 210 में मिलती है अपने को, मतलब 210 सीसी इंजन के साथ है, लेकिन आने वाले समय में और भी बल्की लुक के साथ या फिर और भी मुस्कुलर लुक के साथ कह सकते हो मिलने वाली है करिश्मा XMR 250, जिसमें आपको USD फॉक्स वगैरह सब चीज़ देखने को मिलेगा। अभी वाली में तो USD फॉक्स वगैरह नहीं आता है, बाकी हाँ 250 सीसी का आपको लिक्विड कूल्ड इंजन मिलेगा जो कि अच्छा खासा पावर निकाल के देगा। बाकी 6 गियर का आपको सेटअप मिलेगा, लगभग 30 BHP का पावर मिलेगा और 25 NM के राउंड आपको टॉर्क मिल जाएगा और काफ़ी एरोडायनेमिक उसका लुक होने वाला है। अभी वाली तो करिश्मा उतना एग्रेसिव नहीं है भाई, लेकिन आने वाले टाइम में करिश्मा बहुत ही एग्रेसिव होने वाली है, मतलब मज़ा आने वाला है इसको चलाने में। तो पहली गाड़ी तो यही है भाई जो आने वाले समय में आने वाली है बहुत ही जल्द। बात करें दूसरी गाड़ी की तो एक्सट्रीम का 250 वाला मॉडल एक आएगा भाई, क्योंकि ये लोग 250 सीसी इंजन पे काम कर रहे हैं, तो 250 सीसी का इंजन जब बन जाएगा तो उस पर एक दो गाड़ी तो लाएंगे ही लाएंगे, क्योंकि स्प्लेंडर के इंजन पे बताओ कितनी सारी गाड़ी आती है। चिप डिलक्स आता है, पैशन प्लस आता है, E1 स्प्लेंडर आता है, और भी इनका बस चले तो और भी गाड़ियाँ ला देते, क्योंकि आई स्मार्ट वगैरह में आता था पहले, लेकिन अब वो सब बंद हो चुका है। तो ये लोग भाई एक्सट्रीम 250R को लाने वाले हैं। उसका डिज़ाइन थोड़ा एक्सट्रीम से अलग रहेगा, लेकिन हाँ उसी पर इंस्पायर्ड रहेगा भाई। हेडलाइट वगैरह थोड़ा अलग मॉडल का आपको मिलेगा, लेकिन हाँ वो भी गाड़ी भाई काफ़ी एरोडायनेमिक होने वाली है और काफ़ी तगड़ी होने वाली है। उसमें आपको सेम ही इंजन मिलेगा जो आपको करिश्मा 250 में मिलेगा। बाकी रहा बात प्राइसिंग वगैरह का, तो अभी रिवील नहीं हुआ है भाई प्राइसिंग, लेकिन हाँ जैसे रिवील होगा मैं आपको बता दूंगा। बाकी रहा बात तीसरे गाड़ी का, तो एक्सपल्स 210 आने वाली है भाई, जो कि करिश्मा वाले इंजन में आएगी, 250 वाला नहीं, 210 वाला, अभी जो करिश्मा बिक रही है ना वो वाले इंजन के साथ आएगी। तो ये हाल फिलहाल में ही लॉन्च होगी, क्योंकि हीरो मोटोकॉर्प ने ऑफिशियली बताया था कि ये गाड़ी जल्दी लॉन्च होगी। इसमें ज़्यादा कुछ चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा आपको, टायर वगैरह थोड़ा अपग्रेड करेंगे और ग्रिल वगैरह चेंज करेंगे भाई, बताऊंगा जब लॉन्च हो जाएगा, तो अभी उतना अच्छे से पता नहीं चला है हमें। लेकिन इंजन आपको 210 सीसी का मिलेगा करिश्मा वाला, जो आपको मोटा मोटी 25.5 BHP का पावर और 20.4 NM का टॉर्क निकाल के देगा। तो तीसरी गाड़ी तो ये है भाई। बाकी चौथी गाड़ी की बात करें तो इनकी जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है, या फिर कह सकते हो एकलौती इलेक्ट्रिक स्कूटर है वीडा, उसमें एक V1 वेरिएंट आने वाला है, जो भाई आपकी बजाज चेतक, E1, TVS की IQ वगैरह से बीट करेगी। उसका भाई प्राइसिंग ज़्यादा तो नहीं पता चला है, लेकिन हाँ शायद अफोर्डेबल वेरिएंट हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है, लोग बात कह रहे हैं, लेकिन कंफर्म अभी पता नहीं चला है। तो 4 गाड़ी के बारे में मैंने बता दिया। एक और गाड़ी आने वाली है, अब वो एक्सट्रीम का सिंगल सीट वाला मॉडल आने वाला है या फिर कोई और गाड़ी आने वाला है ये तो पता नहीं चला है, लेकिन हाँ कोई और एक आने वाली है भाई 125 सेगमेंट में ही गाड़ी, ऐसा सुनने में आया है। उसका फोटो वगैरह तो आया नहीं है भाई, नहीं तो मैं आपको जरूर दिखलाता। तो यही मोटा मोटी 5 गाड़ी हीरो मोटोकॉर्प का आने वाला है आने वाले टाइम में। अब कब तक आएगा, मान लो 2025 तक 2-3 गाड़ी तो आ ही जाएगा, बाकी 2026 में 1-2 गाड़ी आएगा। तो इन्होंने काम तो शुरू कर दिया है भाई, अभी बनाएंगे, टेस्टिंग वगैरह करेंगे, तब तो गाड़ी का प्रोडक्शन स्टार्ट होगा ना, तब तो हमारे पास आएगा ना। तो बहुत ही लफड़ा होता है भाई गाड़ी वाड़ी लॉन्च करने में, पहले पेटेंट फाइल कराना पड़ता है, डिज़ाइन बनवाना पड़ता है, फिर उसके बाद इंजन मतलब कस उसके टेस्टिंग करना पड़ता है, अगर 1.5 लाख किलोमीटर चल गई गाड़ी तब जाके उसको सक्सेसफुल माना जाता है कि हाँ प्रोडक्ट अब चलने वाली है। तो बहुत ही टाइम लगता है भाई, लेकिन हाँ इन्होंने पेटेंट फाइल करा दिया है तो काम तो शुरू कर दिए होंगे 5 गाड़ियों पे। तो यही एक अपडेट था हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से, मैंने सोचा अपने भाइयों के साथ शेयर कर दिया जाए। चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई, दिल से जय हिंद सभी को। आपका क्या ओपिनियन है इन 5 गाड़ियों के प्रति मुझे कमेंट में जरूर बताना। चलो बाय बाय।